सेक्शन वन पर आते हैं, पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज्यादा कौन से शहर में है? तो जी हाँ, कानपुर, हिस्टोरिका का अपना शहर, कानपुर में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषण पाया जाता है। यहां पर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कानपुर दिया हुआ है, फिलहाल कानपुर। और अगर डी स्टूडेंट्स आपको इसके अलावा कभी मान लिया और सिटीज आ रहे हैं, तो कानपुर का जो पड़ोसी जिला है उन्नाव, ये भी आपका इसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो ये पेयजल पदार्थ में आपको मिलता है। अगला सवाल आता है 502, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध विश्नोई संप्रदाय, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्नोई संप्रदाय उत्तराखंड में बहुत ही प्रतिष्ठित संप्रदाय जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए आपका जाना जाता है, ये गुरु जम्बेश्वर आपका हुए, उन्होंने आपका स्थापित किया हुआ था। 503 नंबर सवाल पर आते, रक्त का वास्तविक रंग कैसा होता है? तो जो रक्त है वो एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं कि लाल कलर का है, वो लाल एग्जैक्ट ना होके आपका बेसिकली हल्का सा पीला रंग का होता है, तो लाइट येलो आप कह सकते हो, जो कि हमें नजर नहीं आता, बट अगर उसके कलर की बात करें तो हम उसको साइंटिफिकली कह सकते हैं वो आपका लाइट येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 504 पर, इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कौन सा आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं, किसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो? तो जल, वायु और बायोगैस, ये सभी रिन्यूएबल है, कोयला एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, एक बार यूज किया खत्म। 505 नंबर सवाल आता, प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है? तो ये आपका जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट है, जिसका कि आपका डिकम्पोजिशन यानी अपघटन संभव नहीं होता है। अगला सवाल 506 आता है, भारहीन अपशिष्ट का इनमें कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो जो ध्वनि है, ध्वनि एक भारहीन अपशिष्ट जिसका कोई भार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नींद ना आने के लिए आपका टेक्निकल वर्ड कौन सा है? जिस किसी व्यक्ति को आपका नींद नहीं आती उसको हम लोग कहते हैं कि ये इनसोम्निया से पीड़ित है, तो जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 508 आता है, सूर्य में जो हाइड्रोजन के केंद्रक है इनके संयोजन से क्या बनता है? हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से हीलियम बनता है, क्वेश्चन 508 का जवाब होगा हीलियम। 509 में आता है, वायु प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है? वायु प्रदूषण से होने वाले रोग अस्थमा भी हो जाता है, कैंसर फेफड़ों का, लंग्स कैंसर भी हो जाता है, ब्रोंकाइटिस ये भी हो जाता है, तो इसका मतलब जवाब होगा उपयुक्त सभी, वायु प्रदूषण से सभी रोग हो जाने की यहां पर संभावना रहती है। 510वां सवाल है, समुद्री जल को किस विधि से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं? समुद्री जल को आसवन, तासवन दिया हुआ लिखा हुआ है, इसको आसवन कंसीडर करिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, आसवन विधि से शुद्ध किया जा सकता है। 511 नंबर सवाल आता है, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऐसे क्षेत्र जो कि मध्य तापी क्षेत्र है वहां पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, इनकी खासियत होती है एक समय विशेष में ये अपने पत्ते पूरे के पूरे झाड़ देते हैं और फिर पुनः इन पर आपका नए पत्ते आ जाते हैं। 512 नंबर सवाल है, कौन सा एक अजैविक घटक है, अबायोटिक, इसमें से आपका कौन है? तो जो सौर ताप है वो एक अबायोटिक फैक्टर है, सौर ताप को अबायोटिक, सौर ताप हो गया, उसके अलावा तापमान हो गया, वर्षा, कोहरा, ये सभी आपका अजैविक घटक है। 513 नंबर सवाल है, 10% नियम किसने दिया हुआ था? तो डियर स्टूडेंट्स, लिंडमान ने आपका 10% नियम दिया हुआ था। इस नियम के अनुसार एक भोजन सूत्र से, एक ऊर्जा सूत्र से जब दूसरे ऊर्जा सूत्र में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे आपका ट्रांसफर हो पाती है, तो इसी को आपका 90:10 रूल, 90:10 का रूल कहा जाता है, या इसी को हम लोग 10% का रूल कहते हैं, और यह दिया हुआ था लिंडमान ने। नेक्स्ट सवाल आता है 514, किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती? तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 515 सवाल है, दूरसंचार विभाग में 101 संख्या किस विभाग के लिए? तो 101 आपका अग्निशमक के लिए है, 100 नंबर पहले पुलिस के लिए होता था जिसको कि वर्तमान में चेंज करके आपका 112 कर दिया गया, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो SOS नंबर होता है, आपातकालीन सेवा का नंबर, वो 112 होता है, तो इसी वजह से आपका 100 को चेंज करके आपका 112 किया गया हुआ, जबकि दूरसंचार विभाग के लिए 101 है, नेशनल एम्बुलेंस के लिए 102 रहता है। अगली बात करते हैं हम लोग 516 में, कि लंदन में धूम्र पाया जाता है किस मौसम में पाया जाता है? तो लंदन में जो धूम्र पाया जाता है वो शीतकालीन में पाया जाता है, शीतकालीन मौसम में, वो भी सुबह के टाइम पर। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की जो चौथी अवस्था है ठोस, द्रव, गैस के बाद, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है।
अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षरण को हम लोग क्या कहते हैं, जब अम्लीय जल जो कि होता है जब एसी ड्रेन वगैरह होती है उसकी वजह से इमारतों को जो नुकसान पहुंचता है उसको हम लोग स्टोन कैंसर कहते हैं। और वर्तमान में आपका ताजमहल जैसी तमाम ऐतिहासिक इमारतें इसी स्टोन कैंसर का सामना कर रही हैं। ये समस्या यूरोपियन देशों में बहुत ज्यादा भयावह है। 519वां सवाल है, EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अमेरिका में कब स्थापित किया गया, ये 1969 में किया गया। 520वां सवाल है, जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है, कोयला पेट्रोलियम या दोनों या कोई भी नहीं, तो कोयला हो या पेट्रोलियम दोनों ही आपका बायोफ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जवाब हो जाएगा सी ए व बी दोनों। 521वां सवाल है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य की लार में ट्रिप्सिन पाया जाता है। 522वां सवाल है, झूम की खेती कहां होती, झूम खेती खासतौर पर आपका पहाड़ी भागों में पहाड़ी ढलानों पर होती है। आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 523 पर, सवाल है कीवी पक्षी किस देश का है, तो आप सबको पता होना चाहिए जो कीवी पक्षी है वो न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड देश के निवासियों को भी कीवी कहा जाता है। इसी तरीके से आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला मुख्य जो पशु है वो कंगारू है, और इस वजह से वहां के देश के निवासियों को कंगारू भी कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 524 पर, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम मोम है, तो पैराफिन मोम जो है, जबकि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को प्योर करते हैं उस प्रोसेस में जो प्राप्त होता है उसको हम लोग पैराफिन मोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 525 पर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बरेली भारत में माचिस यानी दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला सवाल आता है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, जो हिमालयन रेंज है उस हिमालयन रेंज का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ये वस्तुतः नेपाल में स्थित है, यानी जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नेपाल में। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 जिसको आप गॉडविन आस्टिन भी कहते हो ये है। बढ़ते हैं अगले सवाल 527 पर, मलेरिया के इलाज से इनमें से कौन सा एक व्यक्ति संबंधित है, तो मलेरिया का इलाज उससे संबंधित है रोनाल्ड रॉस। आपको पता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है और रोनाल्ड रॉस इसके इलाज से संबंधित व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 528 है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को क्या कर सकते हैं, रात में जो जगने वाले जानवर हैं ये हर चीज को देख तो सकते हैं लेकिन जिस कलर में देख सकते हैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो आपका जवाब होगा सी केवल काला और सफेद ही देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 529 है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वत्तिकाग्र, तो जवाब है आपका वत्तिकाग्र, ये पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 530, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं और इसका कारण क्या है, गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं इस वजह से वो आपका काफी हद तक आपका ऑलमोस्ट 360 डिग्री तक वो देख सकते हैं। गर्दन अधिक खिलाने के पीछे का उनका कारण ही होता है कि जो उनकी आंखें होती हैं उसकी पुतलियां जो होती हैं घूम नहीं सकती हैं, तो इस वजह से आपका 530 में सही जवाब करेंगे सी ऑप्शन। 531 है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें विटामिन और खनिज खूब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनको रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, इनसे शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीव मंडल का संरक्षण सर्वाधिक किसके द्वारा हुआ, जो हमने जीव मंडल को संवर्धित किया संरक्षित किया ये इनमें से किन के द्वारा संभव हो पाया, तो ये संभव हुआ राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के द्वारा। जी हाँ, जो हमारे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, नेशनल पार्क हमने बनाए, इनके द्वारा जीव मंडल का संरक्षण सबसे ज्यादा संभव हो सका। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 533 पर आते हैं, झील के किनारे खड़े होकर बच्चों को जल के नीचे जो स्थिर मछली कैसी दिखाई देगी, ये अगर आप झील पर खड़े होंगे और आप पानी में जब देखेंगे नीचे तो जो भी मछली होगी वो आपका वास्तविक मछली से आपको बड़ी दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 534, आधुनिक जीवन में जो प्रयुक्त रसोई गैस है एलपीजी, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन के साथ एक दुर्गंध युक्त पदार्थ मिथाइल मर्सेप्टेन मिलाया जाता है, एक मर्केप्टेन मिलाया जाता है, इसका कारण क्या, ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूं आपको, इसको डिस्कस कर चुका हूं, इससे महक एक अजीब सी बदबू आने लगती है और जो गैस के लीकेज को पता करने में आपको मदद करती, तो जवाब हो जाएगा सी गैस का रिसाव पता करने में मदद चलता है। क्वेश्चन नंबर 535 है, एक पुरुष जिसका रक्त वर्ग ओ है, एक
ए रक्त वर्ग वाली स्त्री से शादी करता है। अब उस बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी? ऐसे केस में उसकी 50-50% संभावना होगी, यानी जवाब होगा 50%। 536 आता है, चावल या दाल को जब जल में डालते तो मिट्टी के कण तली पर बैठ जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी के तलों का कण जो उसमें तली पर बैठ जाना, इसको अवसादन कहते हैं। 537 नंबर क्वेश्चन, एक किसान जो कुछ दाने हैं उनको भूसों से अलग करना चाह रहा, दोनों लिखा है दैट इज दाना, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाह रहा, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? ये निष्पावन कहलाता है। जब ऐसी प्रक्रिया में किसान जिधर की तरफ हवा चल रही होती उस तरफ थोड़ा सा ऊंचाई से जिसमें दाने और भूसा दोनों ही होता है उसको गिराता है, और ऐसे में जो भूसा होता है वो दूर गिरता है जबकि दाने आपका उसके पास में गिरते हैं। इस तरीके से निष्पावन प्रक्रिया के द्वारा जो है इसको अलग कर सकता है। आजकल ये साइंटिफिकली आपका तमाम तरीके आ चुके जिनसे अलग हो जा रहा है। 538 नंबर सवाल है, मिठाइयों में चांदी के वर्क के स्थान पर किसकी मिलावट होती है? क्योंकि चांदी का वर्क महंगा पड़ता है, इस वजह से जो इसकी मिलावट के रूप में एडल्ट्रेशन किया जाता है वो एल्युमिनियम का वर्क लगा दिया जाता है, तो जवाब होगा एल्युमिनियम का वर्क। 539 में से रबी की फसल कौन सी है? आपको पता होना चाहिए तीन तरीके की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें जो आपका सर्दियों के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और सर्दियों के मौसम खत्म होने के टाइम पर काट ली जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा गेहूं है, चना है, ये सभी आपका रबी की फसलें हैं। सरसों भी रबी की फसल में आ जाएगा, जबकि खरीफ की फसलों में आपका मक्का है, मक्का के अलावा चावल है, ये खरीफ की फसलों में आता है। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सभी जायद की फसलों में आता है। तो इनमें से अगर पूछा जाए रबी की फसल कौन सी, तो जवाब ए यानी चना हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 540, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, तो जवाब हो जाएगा टोकोफेरॉल। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो भारत के आपने राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रीय जल जीव जो है वो है हमारा डॉल्फिन, जबकि राष्ट्रीय पशु हमारा आपका पेंथाइंगर टाइगर यानी आपका जो है चीता, ये हमारा राष्ट्रीय पशु। अगले सवाल पर आते हैं 542 पर, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पर दो जवाब है ए और बी, ए चेरापूंजी, बी है मानिकराम, मासिनराम आप इसको पढ़िएगा। चेरापूंजी ये मेघालय में स्थित है, मासिनराम भी उसी के पास में ही है। पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती थी कहीं पर तो चेरापूंजी में, वर्तमान में ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया और मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये कारण उसका आपका तीन पहाड़ियां वहां पर है, गौरव है, खासी है और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र और दुनिया में सबसे अधिक बरसात के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 543 पर आते हैं, इसमें से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका योगदान सबसे ज्यादा है? जो समुद्र का पानी होता है उसमें लवणता ज्यादा पाई जाती है और उसमें आपका मुख्यतः पाई जाती है दो चीजें, एक तो सोडियम और दूसरा क्लोराइड, इन दोनों चीजों की लवणता प्रजन सबसे ज्यादा होती है, 1000 भाग में इनकी प्रजन ऑलमोस्ट 30 होती है। जी हाँ, 30 कह सकते हैं, 30 भाग 1000 में ये चीज आपका इसका लवणता का स्तर मिलता है हमें सागरी जल में। 544 नंबर सवाल आता है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जी हाँ ये गलत है, 23 मार्च को ना मना के 20 मई को हर साल मनाया जाता है, तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस इसको हम कहेंगे 20 मई को मनाया जाता है, ये सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून मनाते हैं। विश्व आवास दिवस, इसके बारे में ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, विश्व आवास दिवस या परिवेश दिवस ये हर साल अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है, डेट ये कभी 6 कभी 7 कभी 5 इस तरीके से पड़ती रहती है, तो विश्व आवास दिवस जो मनाया जाता है अक्टूबर माह के हर प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। 545 पर आते हैं, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई हुई थी सन 1986 में, और इसको एज ए सोसाइटी गठित किया गया, सॉरी इसको गठित किया गया था 1982 में, 1982 में इसका गठन हुआ था, और ध्यान आपको ये रखना कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी इसको गठित एक सोसाइटी के तौर पर शुरुआत में किया गया हुआ था, तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी 1982 में। 546वां सवाल आता है,
राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1988, ये शुरू हुआ था 1988 में, ये किसको दिया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो वन्य जीवों को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए काफी प्रयास करते हैं, उनको आपका ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जवाब होगा वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को। 2013 में पुरस्कार एसपी यादव को दिया गया था, जो कि आगरा में आपका फॉरेस्ट रेंज में डीआईजी रहे थे। काफी टाइम पर उन्होंने इलीगल ट्रेड जो होता है जानवरों का, उस पर उन्होंने रोक लगाई और ये पुरस्कार उनको दिया गया था। 547 नंबर सवाल आता है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तारों के कारण होने वाली घटित आकाशीय परिघटना, इसको हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु सामान्य तौर पर गैसों से, पत्थर से, धूल से बने हुए, समझिए एक छोटे ग्रह होते हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर आपका ग्रहों के तरीके से ही परिक्रमा लगा कर रहे होते हैं, और ये आपका एक आकाशीय परिघटना ही नहीं, धूमकेतु को हम आपका पुच्छल तारा भी कहते हैं ना, कि तारा कोई टूट जा रहा पुच्छल तारा, तो ये ध्यान रखिएगा धूमकेतु या पुच्छल तारा ये तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटनाएं हैं। 548 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हो, प्रदूषित करती हैं? क्योंकि मोटर कारों में जो हम पेट्रोल यूज करते हैं वो शीशा मिला हुआ हुआ करता था पहले, और इस वजह से जो शीशा धातु है यह सबसे ज्यादा आपका वायु प्रदूषण का कारण हुआ करती थी। वर्तमान में शीशा रहित पेट्रोल इस समय प्रचलन में, तो ये समस्या काफी हद तक दूर हुई है। तो फिलहाल सवाल का सही जवाब होगा शीशा यानी लेट। अगला सवाल आता 549, भारत में इनमें से प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा कौन सा नाभिकीय ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल है? तो डेयर स्टूडेंट, भारत में पाया जाने वाला आपका न्यूक्लियर फ्यूल सबसे ज्यादा थोरियम, यूरेनियम हमारे यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे पास थोरियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम जिन राज्यों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वहां दो राज्य हैं केरल और ओडिशा। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा नाभिकीय प्रदूषित राज्य कौन सा है, ऐसा स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पॉल्यूशन फैला हुआ है, तो वो केरल ही जवाब होगा। और केरल का कारण मैंने आपको बताया कि केरल के जो बीचेज है, समुद्र तट है, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम की उपलब्धता है, इस वजह से केरल सबसे ज्यादा नाभिकीय प्रदूषित राज्य भी है। लास्ट क्वेश्चन 550 आता है इस सीरीज का, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो ध्यान रखना है आपको यहां पर जवाब गेहूं नहीं देना, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर उगाई जाने वाली फसल भी चावल है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल भी चावल है। और ध्यान रखना है भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा चावल उत्पादन वाला राज्य है। और जी हां, भारत में सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादित करने वाला राज्य है वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, जबकि भारत की पोजीशन है दूसरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आपका छठा वीडियो जो कि हमारी इस एनवायरमेंट सीरीज में है, क्वेश्चन नंबर 501 से 550 तक। अगली सीरीज का यानी सातवां वीडियो आपको अगले ही कुछ समय बाद मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।